कर्क राशि वालों, कई साल के बाद आज अप्रैल महीने की चर्चा हर ज्योतिष से सुनने को मिल रही है। हर विद्वान व्यक्ति इसी के बारे में चर्चा कर रहा है। कई सालों के बाद अप्रैल 2024 में तीन तीन ग्रहों का अनोखा संयोग बन रहा है। मीन संक्रांति का प्रारंभ हो रहा है, केदार योग बन रहा है, लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार समय समय पर कई ऐसे योग निर्मित होते हैं जो मूलभूत रूप से जीवन की संभावनाओं को बदल देते हैं, व्यक्ति की इच्छा शक्ति को प्रकट कर देते हैं। आज ऐसे ही योग का प्रभाव अप्रैल 2024 में कैसे होने जा रहा है, इसके बारे में ही चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि अवसर सब कुछ बदल देते हैं। जैसे आज हम रामदास जी से ज़्यादा कबीर को जानते हैं, गुरु द्रोण से पहले अर्जुन को जानते हैं, रामकृष्ण परमहंस से पहले विवेकानंद को जानते हैं, गुरु अगस्त से पहले सिकंदर को जानते हैं, चाणक्य से पहले हम चंद्रगुप्त की चर्चा करते हैं, नाम लेते हैं। यानी कि ग्रहों के संयोग से, अच्छे व्यक्ति के साथ से और शुभ योग का समर्थन मात्र से ही बहुत कुछ बदला जा सकता है। तो आज ये योग अप्रैल के 30 दिनों में क्या कुछ करेंगे, चलिए विस्तार से जानते हैं। वैदिक साधना अध्यात्म केंद्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक का बटन दबाना ना भूलें। और यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है, अगर आप इसे अपनी नाम राशि से सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं। तो चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं। अब आपको बड़े ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझना है। दोस्तों, अप्रैल का महीना प्रेम परिवार की दृष्टि से देखें, समृद्धि और सम्मान की दृष्टि से देखें, स्वास्थ्य और व्यापार की दृष्टि से देखें, करियर की दृष्टि से देखें, तो यह कई सारे संघर्ष के साथ सुख भरे अवसर देकर जाएगा, जिनके बारे में शायद आपने सोचा तक नहीं होगा। महीने के प्रारंभ में बुध ग्रह और गुरु की युति बनेगी, जब व्यापारिक उद्देश्यों को पूर्ति करने वाले, करियर में ऊंचाइयों तक पहुँचाने वाले और बिजनेस के कारक माने जाने वाले बुध ग्रह मंगल की राशि में कर्म के ही भाव में युति करेंगे तो वह काफ़ी पावरफुल बन जाएंगे। ऐसी स्थिति में वह नौकरी और व्यापार में धन दोनों ही चीज़ें प्रदान करते हैं, जीवन में सुख सुविधाओं की बरसात करते हैं, लाभ देने की कोशिश करते हैं। बुद्धि प्रसिद्धि के दाता बुध जब एक निश्चित अवधि के बाद राशि परिवर्तन या फिर अपनी स्थिति में बदलाव करते हैं तो वह लाभकारी सिद्ध होने के साथ साथ आय के नए स्रोत खुलवाते हैं, उच्च शिक्षा पाने की इच्छा को पूर्ण करते हैं, व्यापार में लाभ के नए नए आयाम बनाते हैं। ऐसे में अचानक से तेजी देखने को मिलती है, नए नए व्यापारी संपर्क बनते हैं, साझेदारी में व्यापार के ऑफर मिलते हैं। बुध ग्रह विद्यार्थी वर्ग के लिए सुनहरा अवसर प्रदान करेंगे, यूनिवर्सिटी अच्छे कॉलेज में एडमिशन प्राप्त होगा, छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ कोई स्कॉलरशिप आदि मिल जाती है, या आप नौकरी के साथ साथ पढ़ाई करते हैं, ऐसे में आप कोई पुरानी हेल्थ एक्टिविटी को भी दोबारा शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये जरूरी होता है। यदि गुरु आपकी कुंडली में उच्च का होगा, अच्छी स्थिति में होगा, तो सरकारी नौकरी या उच्च अधिकारियों से भी आपको लाभ मिल जाता है। इसके साथ ही सरकार की ओर से भी कोई महत्वपूर्ण लाभ मिल जाता है। लंबे समय से रुका हुआ कार्य, रुका हुआ पैसा वापस मिलने लगते हैं। ऐसे में अगर आप फिल्म इंडस्ट्री, मॉडल और सोशल मीडिया से जुड़े हुए होते हैं ना, तो आपको अवार्ड सम्मान के साथ धन लाभ के बड़े अवसर मिलते हैं, साइन करने का मौका मिलता है, किसी काम को लेकर यात्रा करने का अवसर मिलता है और ये आपके जीवन का सुवर्ण काल बनता है। जिनकी संपत्ति सालों से बेकार है, उनको खरीदार मिलता है। आयात निर्यात, ई कॉमर्स एवं खुदरा व्यापार से जुड़े जातकों की आय एकदम से बढ़ने लगती है। दोस्तों, गुरु को आपने समझा है तो आपको पता ही होगा कि वह विवाह का कारक है, शादी करवा देता है। जिनके रिश्ते टूटने के कगार पर पहुँच गए होते हैं ना, उनके बीच में भी प्रेम को बढ़ा देता है, आप दोनों की अनबन की स्थितियों को दूर करता है, नज़दीक लाता है। अप्रैल में गुरु ऐसा ही करेगा, क्योंकि यह मंगल के साथ योग बना रहा है। अगर ऐसे में आप प्रेम संबंध को विवाह संबंध में बदलना चाहते हैं ना, तो वह सहायक होता है,
आपके रिश्ते में किसी तीसरे व्यक्ति की दखलगिरी होती है तो वह दूर होती है, साथ साथ प्रेम में बदलाव और नए साथी से मिलने की संभावना भी प्रबल बन जाती है। 13 अप्रैल 2024 जब मीन संक्रांति का प्रारंभ होगा और यह कर्म के भाव में बनने के कारण प्रत्येक कार्यों में सफलता और लाभ के साथ साथ जीवन में बदलाव आएगा। लंबे समय से आप जिनकी इच्छा करते थे ना, वह इच्छा पूर्ण होगी। खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः लौट कर आएगी, सम्मानित होगे और यह सब सूर्य देव की ही वजह से संभव होगा। शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार या फिर आप विदेशी करेंसी से संबंधित कार्यों से भी लाभ प्राप्त कर सकेंगे, अवसर मिलते हैं। अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़कर लाभ लेना चाहते हैं तो निश्चित ही आप खूब मुनाफा कमा सकते हैं, बशर्ते कुंडली में पाप ग्रहों की युति नहीं होनी चाहिए या फिर कोई पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, मैंने पहले भी कहा है और आज भी कह रहा हूँ, जब जब भी चतुर्थी शुक्र आपके सुख के स्वामी उच्च होकर भाग्य के भाव में लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करते हैं तो वह जमीन से आसमान तक पहुंचा देते हैं। नए नए बिजनेस डील मिलती है, बिजनेस में धन की प्राप्ति होती है, मजदूरों को लंबे समय का काम मिलता है, नया घर, नया वाहन, संपत्ति आदि खरीदने के अवसर मिल जाते हैं और उसकी वजह से लाभ प्राप्त हो जाता है। 23 अप्रैल को केदार योग का निर्माण होगा, ऐसे में आपको अचानक से नौकरी के लिए ऑफर मिलते हैं। नौकरी पेशा व्यक्तियों की सैलरी में वृद्धि होती है, आपको ऐसे व्यक्ति से सहयोग मिल जाता है जो स्वयं प्रसिद्ध होता है और आपको भी प्रसिद्ध बना देता है। खासतौर पर महिला और आईटी, मेडिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो संबंध रखने वाले होते हैं ना, उन्हें अचानक से लाभ मिल जाते हैं। और वैसे भी केतु ग्रह आपके चतुर्थ भाव में है तो वह आपको बड़े भाई, राजनीतिक व्यक्ति एवं धनवान व्यक्ति का साथ दे देते हैं, आकस्मिक धन प्रदान कर देते हैं। अगर आप आर्थिक स्थिति को बदलने के बारे में सोचते हैं तो अवसर मिलेंगे। आप व्यापार के विस्तार की कोशिश करते हैं तो पार्टनर मिलता है। धन के लिए लोन चाहते हैं तो लोन मिलती है। सरकार, राज्य, केंद्र, नगर निगम, यहाँ तक पंचायत भी आपके पक्ष में निर्णय लेने की सोचती है। और जो लोग केवल मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी करते हैं ना, उनके भी जीवन में बड़ा मोड़ आता है, क्योंकि समय सबका होता है और सबके लिए होता है। ये बात अब अवश्य याद रखें। दोस्तों, हर व्यक्ति की कुंडली में सुयोग या दुर्योग विद्यमान रहते हैं। ज्योतिष के कई महायोग है जो व्यक्तियों को जीवन की बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली का विश्लेषण करें, जाने समझे और आगे बढ़े। कर्क राशिफल अप्रैल 2024 में इतना ही। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।